अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम आए हैं जॉयलैंड और आज का ब्लॉग होगा हमारा जॉयलैंड के टूर पे और हम आपको दिखाएंगे कि जॉयलैंड कैसा है। तो मिलते हैं इस ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी जॉयलैंड की डिस्कवरी। वाह, ओह माय गॉड, ये जुदा से मुझे नहीं अच्छा लगता। ये जो है ना बहुत डेंजरस टाइप है। क्यों मैं जी बहुत डेंजरस टाइप है जुदा। इससे तो बैटरी सारी तो खत्म हो गई ना। तो ये जुदा जॉयलैंड में लगा हुआ, लेकिन बहुत आई डोंट लाइक दिस। Now let's move. जॉयलैंड के अंदर क्या कहते हैं इसको, डिस्कवरी। हाँ डिस्कवरी। ये वैसे मुझे पर्सनली नहीं लाइक, मैं भाग गया। ये वैसे मुझे पर्सनली नहीं लाइक क्योंकि जो है ना इसमें गिरने का खतरा होता है और बहुत से इसमें ना। तो उसके बाद ये एक ग्लो है आई थिंक यहाँ पे चेयर्स हैं घूमने वाली, तो इनको भी आपको विजिट कराएंगे। इधर यहाँ पे हॉर्स वो जो आप अपने बच्चों में सुनी होगी, घोड़े पे बैठा पता नहीं क्या। तो ये वो है, ये जी जॉयलैंड के अंदर जो है ना वो टिकट का टिकट वगैरह यहाँ से मिलते हैं। तो अभी हम आए हैं अपने बच्चों के लिए टिकट वगैरह लेने के लिए। तो एक तो चेक करेंगे कि यहाँ पे टिकट की क्या प्राइसेस हैं और फिर देखते हैं आगे से हमने कौन सा झूला लेना कौन सा नहीं लेना। तो एक ये भी है, ये आपको पहले मैंने दिखाया, ये टिकट सेंटर भी है। तो ये जुदा आपको दिखाए थे, ये भी काफ़ी डेंजरस आई थिंक बच्चों के लिए, ये भी नहीं ठीक। ये बड़े तो बैठ सकते हैं इधर, देखे काफ़ी उन्होंने इसको गिरने का खतरा, खैर गिरने का खतरा तो नहीं होता लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुश्किल है। तो मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, मेरी बेटी छोटी है तो ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकता। तो मैं कोई ऐसा फ़िलहाल मैं कोई ऐसा झूला देख रहा हूँ जो मैं अपनी बेटी को दे सकूँ जिसमें वो डरे भी ना और खुश भी हो। लेकिन ये जो झूला ये मैंने नहीं, ये जी मैं अभी टिकट लेने आया। मैं यहाँ पे कहता एक बैंड मिलता है, बैंड से ये है कि आप जो मर्जी झूले लें 700 रुपये में। तो वो जो है ना उमैर अभी बैंड उठा रहा है अपना, और बाकी फिर देखते हैं कोई ऐसा झूला जो उमैर के लेवल का हो या मेरी बेटी के लेवल का हो वो देख सके। वाह जी वाह, यही झूला ये है यहाँ पर गोल 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 वाला, लेकिन ये भी बच्चों के लिए देंगे सर, बच्चों के लिए ये भी देंगे सर। ये है जी टंबल टाउन, टंबल टाउन को चेक करते हैं क्या है टंबल टाउन में। टंबल टाउन में ये झूला है और फिर एक ये झूला टंबल टाउन में, दिस इज कॉल्ड क्लाउन अराउंड। ये उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये झूला है, ये जी ट्रेन चल पड़ी है, ये बच्चों की ट्रेन। वाह वाह, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉयमेंट बच्चों का हो रहा है। ट्रेन के बाद देखते हैं जी इस साइड पे क्या सिस्टम है, इस साइड पे भी काफ़ी कुछ है माहौल आई थिंक। आए देखते हैं इस साइड पे क्या है। जैसा कहा कि मैंने बताया था कि ट्रेन के बाद अभी हम लोग कुछ और देख रहे हैं कि यहाँ पे और क्या क्या सिस्टम है। जैसा कि ये देखें आप, ये एक ये झूला है और एक ये भी है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि छोटे बच्चों के लिए कोई खास नहीं है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं लिफा 3 साल 4 साल के बच्चों के लिए, तो यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग किस्म के कोई झूले नहीं है। यहाँ पे बच्चे जाना, ये वो झूले हैं जो बच्चे छोटे बच्चे झूले नहीं ले सकते। अगेन ये झूले देखें, ये वाला झूला भी आप अगेन, ये वाला झूला मैं नहीं समझता कि छोटे बच्चों के लिए है। बड़े बच्चों के लिए आप कह सकते हैं, 5 साल के बड़े बच्चे उनके लिए आप कह सकते हैं कि झूला ठीक है, लेकिन मैं नहीं रेकमेंड, मैं नहीं समझता कि छोटे बच्चों के लिए अच्छा झूला है। 2 साल 3 साल के बच्चों के लिए, 3 साल 4 साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, होना चाहिए। इतना बड़ा पार्क है, ये चीज़ नहीं है। ट्रेन में बैठ सके ये ट्रेन में, ये जी हम ट्रेन में बैठे थे लेकिन मेरी बेटी जो है वो डर गई थी, वो कहती है कि नहीं मैंने ट्रेन में नहीं बैठना, तो फिर हमें ट्रेन से उतरना पड़ा। तो फिर हम ट्रेन से उतर गए और अभी हम बाहर आ गए हैं। ये जी अभी यहाँ पे क्लोजिंग सीन चल रहा है, कैफ़े रस कैफ़े यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिए क्योंकि अभी टाइम हो गया रात की 10 और इन्होंने इसको बंद कर रहे हैं। और एक वो झूला भी है जहाँ पे आप, तो ये झूला छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए है। बहरहाल
जगह बहुत अच्छी है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग किस्म की है, लेकिन जो है ना छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे चीज़ें कम है। ये बचपन में जब हम छोटे थे तो इस तरह की झूले लगा करते थे जेलों में भी, और एक ये झूला भी लगा हुआ है यहाँ पे, और ये ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है ना लोग अपनी खड़े होकर स्टेडियम वगैरह बना रहे हैं ज़बरदस्त। और एक ये भी है, ये भी थोड़ा सा डेंजरस है, मैं क्योंकि मैं तो अपनी छोटी बेबी को जो है ना उसको झूले दिलवाने के लिए आया था दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस तरह के झूले हैं नहीं कि मैं इसको कोई झूला दे सकूँ। ये भी हम आ गए सुपर स्पेस पे, और अभी हम घूमे फिरेंगे ऐसे ही सुपर स्पेस। ये भी उन्होंने बंद कर दिया, टाइम आती है ज्यादा, लेकिन अभी आपको वैसे ही थोड़ी देर दिखा रहे हैं। आ जाओ अरे बात। ये जी भाई हैं, आपका नाम मोहम्मद जुहैब। आपका नाम असलम। असलम, ये जी इनका यहाँ पे जॉय लैंड पे दुर्मा सेल करते हैं आइसक्रीम, वो जो दिखाते हैं वो जो आइसक्रीम देते हैं खींचते हैं, बहुत कमाल की इनकी जो है ना वो है। तो आपको मैंने इस ब्लॉग में मैंने आपको वो दिखाया है, और आप वो देखिएगा और आइएगा इनके पास जरूर। और जो है वो बस भाई ने तो ये किया है कि हमें जबरदस्ती पकड़े, हम जा रहे थे अभी बस पार्क ही बंद हो गया, मतलब बंद हो गया। ये है कि आप जब भी आप जॉयलैंड आए जो मेरी वीडियो हमारे साथ जरूर विजिट करें, वो वीडियो देख रहे हैं इन भाई के पास जरूर विजिट करना, और आइसक्रीम ट्रिक लाजमी इनके साथ खेलना है। थैंक यू भाई की मोहब्बत थी, लाइक सब्सक्राइब कर दे जी। अभी ये जॉयलैंड बंद हो गया, 10:30 का टाइम हो गया। अभी हमने आपको बहुत सी चीज़ें दिखानी थी, बहुत सी इसमें आपको दिखाना था, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से सारा जॉयलैंड हम आपको नहीं दिखा सके। उम्मीद करता हूँ कि ये जॉयलैंड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा।